चलेगी, सही चलेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार। महिलाओं पे ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यहाँ की बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ की बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब यहाँ की डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब यहाँ की डरता है पुलिस को आगे करता है। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गड़बा गड़बा के बदल दो, ताज बदल दो, दो लाइन से तीन लाइन नहीं होगा। आए हुए कोई कोई कार्य करता हमारी तीन लाइन अखिलेश यादव मुलायम सिंह, अखिलेश यादव मुलायम सिंह, अखिलेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताक बदल दो, ताक बदल दो, बड़वा बड़वा ताक बदल दो। जब तक योगी डरता है तब तक योगी डरता है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धरती धर्म विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती यादव मुलायम भाई, अखिलेश यादव भाई, अखिलेश यादव नदी मंगा, अखिलेश यादव नदी मंगा, अखिलेश यादव सतीन भाई, अखिलेश यादव मुलायम सिंह। बदल दो, ताक बदल दो, भाईवानों का राज बदल दो। ताक बदल दो, ताक बदल दो, भाईवानों का राज बदल दो। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, रक्त बदल दो, ताज बदल दो। Thank you.
अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। अखिलेश यादव संघर्ष करो। 5 साइकिल यात्रा जो निकाली गई है इसका उद्देश्य क्या रहा? साइकिल यात्रा का मकसद है जो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत परेशान है, चाहे कृषि ले लीजिए, चाहे छात्रों का ले लीजिए, चाहे छात्राओं का ले लीजिए, चाहे बस हो, ट्रेन हो, खेत हो, खलिहान हो, मंदिर हो, हर जगह अराजकता फैली हुई है। जैसे अमरोहा में 17 वर्ष की लड़की जब मंदिर में जाती है तो उसको गोली मार दिया जाता है। मैनपुरी में एक गडरिया बिरादरी का प्रजापति को घर में बंद करके 6 लोगों को जिंदा मार दिया जा रहा है। आज डीजल और पेट्रोल का आप दाम देखिए कि सारा डीजल और पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान है, हर जगह महंगाई का भरमार है। इसलिए सरकार के कान में जू नहीं रहेगा, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश भैया के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश में हर तहसील पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस साइकिल के माध्यम से मैं बताने का कार्य कर रहा हूं कि जनता बहुत त्रस्त है, मैं जनता की आवाज लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे सर मान लीजिए अगर महंगाई कम नहीं होता है तो आप लोग धरना ऐसे चलाते रहेंगे? धरना ऐसा ही नहीं चलता, इससे बढ़ के होगा। ये भी क्या धरना है, अभी तो जनता की आवाज है, इनको बदलना है। इस सरकार में कोई न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, हर जगह अभी आपको जिला पंचायत और ग्राम प्रधान और बीडीसी का जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी हर जनपद में हर ब्लॉक में सीट जीत कर आई है। लेकिन यह सरकार की गुंडागर्दी देखिए कि ब्लॉक का प्रमुख का भी चुनाव हुआ तो इसी तरह गुंडागर्दी, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का जीता और अध्यक्ष ये लोग बनवा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि महाभारत काल में चीरहरण हुआ था, लेकिन आज के तारीख में हम लोग स्वयं देख लिया है कि आज के तारीख में यह सरकार में चीरहरण हो रहा है। यह सरकार जो कहती है वो कतई नहीं करती है। इन्होंने कहा था कि हर परिवार को 15 लाख रुपया देंगे, आज तक किसी के खाते में आया नहीं आया। उन्होंने कहा चुनाव के समय में कि 35 रुपया लीटर हम डीजल पेट्रोल देंगे, आपको मिला नहीं मिला। इसलिए जनता इनके खिलाफ आज धरने और प्रदर्शन पर बैठी है। आने वाला समय में इनकी सारे प्रदेश के सारों सीटों पर इनकी जमानत जब्त करने का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है और इनको उखाड़ कर फेंक देने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी 2022 के चुनाव में जनता के सामने चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा? ठीक है, हम 2022 में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये बहुत खराब है, आज के डेट में कानून व्यवस्था खराब है, देश में महंगाई, उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ पूरे देश में महंगाई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था इतना ध्वस्त है कि हर आदमी परेशान है, जनता इतनी परेशान ही। इसलिए हमारी जो मेन मुद्दा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सबसे बढ़िया बड़ा मुद्दा है कानून का मुद्दा। अगले 2022 चुनाव में किसके सर पे ताज? 2022 में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सर पर ताज। क्या लगता है? अखिलेश भैया संघर्ष करो, अखिलेश भैया संघर्ष करो, जो हमसे टकराएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या किसी पार्टी से संगठन गठबंधन करेंगे क्या? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है मामला है, उनका मामला वो देखेंगे। समता वाई टीवी में सभी लोग का धन्यवाद। अरुण कुमार की खास रिपोर्ट जिला बहराइच से। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता वाई टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो देखने